असलम एंड हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल जिंदगी जिन्नत की उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो आज की रेसिपी में बनने जा रहा बहुत ही देसी स्टाइल खाना चावल दाल आलू का भरता टमाटर की चटनी पुदीना और हरी धनिया की चटनी अचार चिप्स तो रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा ऑयली खा के आप ना चाहते हुए भी आपको फ्राइड आइटम बनाने पड़ते हैं थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो मैंने सोचा था कि आज का डिनर बहुत ही लाइट बहुत ही हल्का रखा जाए तो उसके लिए मैंने पहले चावल को भिगो दिया था और उसके बाद यहाँ पे कुकर में डाल दिया है दाल दाल मैंने तीन तरीके का लिया है राहर की दाल मूंग की दाल और मसूर की दाल तीनों दाल को मैंने इक्वल प्रोपोर्शन में ले लिया था राहर की दाल थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में लिया था और ये बहुत ही गाढ़ी दाल मैं बनाऊंगी जो कि चावल दाल के साथ बहुत ही अच्छा चावल और भरते के साथ बहुत ही अच्छा लगता है तो यहाँ पे डाल दिया था सिर्फ सिंपल सा बना रहे हैं हल्दी मिर्चा और नमक इतना डाल के आपको अंदाज पर पानी लगा देना है और इसी में आपको डाल देना है आलू तो मैंने आलू भी छील लिया था वॉश करके रखा था इसी में डाल दिया आलू तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे आलू और दाल एक साथ पक जाएंगे तो यूजली मैं ऐसा ही करती हूँ तो यहाँ पर मैंने प्रेशर लगा दिया था और दाल बिल्कुल परफेक्टली गल के रेडी हो गए थे उसके साथ साथ आलू भी हो गए थे तो मैंने आलू को अलग बर्तन में निकाल दिया था और दाल को अच्छे से पहले बघार दिया था पहले अच्छे से उसे घाट लेते हैं हम लोग और उसके बाद एक बॉयल आने देते हैं और फिर आप जो चाहे चाहे जीरा का लहसुन का लाल मिर्च का प्याज का किसी भी चीज़ का डालें तो मैंने यहाँ पे लहसुन और लाल मिर्च का तड़का लगा दिया था और ये हमारे दाल रेडी है मूविंग ऑन नेक्स्ट तो मैंने बहुत डिप तक एक एक प्रोसेस नहीं दिखाया यहाँ पे आलू को मैश कर लिया था नमक डाल दिया था कटी हुई प्याज डाल दिया था और लास्ट में भी धनिया पत्ती भी ऐड किया था तो वहीं मैंने साथ ही साथ टमाटर को भी मैश कर लिया था और सेम चीज़ उसमें भी ऐड कर देता है प्याज नमक धनिया पत्ती हरी मिर्च और यहाँ पे पीस ले रहे हैं हम धनिया पत्ती और पुदीना की चटनी जो कि बहुत ही अच्छी होती है और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती और पुदीना को चॉप करके डाल दिया था और नमक डाल दिया नींबू डाल दिया थोड़ा सा दही भी लास्ट में डाला था इसे भी ग्राइंड कर लिया और ये हमारी चटनी भी रेडी है बहुत ही सुकून देता है ऐसा खाना मुझे बिरयानी पुलाव से ज़्यादा ये खाना पसंद आता है और इसे आप मन भर के अच्छे से खा लेते हैं तो रमज़ान में एक टाइम आप वीक में ऐसा खाना ज़रूर बनाएं आपके पेट के लिए भी अच्छा होगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है इस वजह से तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड करने के लिए डाल दिया था और हमारी चटनी भी पिस के रेडी है तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने चावल को कुछ इस तरीके से निकाल लिया था इसी के ऊपर डाल दिया दाल और दाल भी बहुत परफेक्टली बना था बहुत ही अच्छा टेस्ट था तो दाल को इसके ऊपर ही डाल दिया और बाकी जो भी हमने रेडी किए हैं ना वो भी इसी पे अरेंज कर देंगे तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे डाल दिया टमाटर की चटनी और उसके बाद आलू का जो भरता है बहुत लोग चोखा बोलते हैं तो वो डाल दिया था और वो भी कच्चे प्याज का था उसमें भी मैंने ऑयल ज़रा भी ऐड नहीं किया इस पूरे खाने में सिर्फ दाल को तड़का देने के लिए मैंने छोटे वाले स्पून से एक स्पून ऑयल यूज़ किया था अदरवाइज़ किसी भी चीज़ में थोड़ा भी ऑयल नहीं था तो ये बहुत हेल्दी हुआ तो यहाँ पे आलू के भरते रख दिए थे धनिया और पुदीना की चटनी भी रख दिया था हाँ थोड़ा सा मैंने चिप्स उस उसको भी मतलब बहुत कम तेल में मैंने फ्राई किया था ऑप्शनल आप अवॉइड भी कर सकते हैं पापड़ सेक के भी खा सकते हैं पापड़ खत्म था तो मैंने आलू वाले चिप्स होम मेड आलू चिप्स थे तो उसे यूज़ किया अचार डाल दिया और यहाँ पर साइड में प्याज डाल दिया खीरा भी आप यूज़ कर सकते हैं तो ये हमारा बहुत ही परफेक्ट मिल रहा बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी तो इस रमज़ान एक वीकेंड में तो एक बार आप जरूर इसको ट्राई करें बहुत ही सुकून मिलता है के और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़